अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है तो आप क्या करोगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और मुझे पता है ज़्यादातर लोग लिखेंगे हम बिज़नेस करेंगे क्योंकि हमें किसी का नौकर नहीं बनना है और हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। आई एम श्योर यही सोच रही होगी ना। नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना कि आपकी ये सोच है या नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना काम करते हैं, बट बिना प्लानिंग के काम में आ जाओगे ना तो आपका काम फेल ही होगा। क्योंकि बिजनेस करोगे या जॉब करते हो आपको प्लानिंग तो करनी पड़ती है। एक जॉब लेने के लिए आप कितने सालों की पढ़ाई करते हो, कितने एग्ज़ाम्स देते हो, कितने इंटरव्यूज़ देते हो, फिर जाके आपकी वो जॉब लगती है। जॉब भी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही बिज़नेस भी ऐसे नहीं ग्रो होता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों ने बड़ा ही एक आसान तरीका ढूंढ लिया है कि भाई घर से उठे, पढ़ाई में नंबर नहीं आया, पढ़ाई में नौकरी नहीं लगी, तो चलो बिज़नेस करना तो ही है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं होता। क्योंकि बिना एग्ज़ाम के अगर कोई चीज़ शुरू हो सकती है वो बिज़नेस ही है। ये पर्सपेक्टिव लोगों ने बना लिया है। तो बिना किसी तैयारी के बिज़नेस में भी आओगे दोस्तों तो फेल होगे। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपने लाइफ में रिलेट की है, क्योंकि मैं जॉब और बिज़नेस दोनों ही कर चुका हूं। इनफैक्ट अभी बिज़नेस कर रहा हूं, पहले जॉब करता था एक आईटी कंपनी में। तो मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैं आप लोगों को मदद करूंगा कि अगर आप लोग जॉब और बिज़नेस में कन्फ्यूज है तो आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप लाइफ में पछताओ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो 2020 या 20 के बाद या आज इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है, ये सोच है, तो लास्ट तक देखना। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ लाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और आपको हमारे चैनल पर भी बहुत सारे इस तरीके के वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपकी हेल्प करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो भी आप अपने लाइफ के डिसीजन लोगे ना वो किसी को देख के मत लेना। अभी मेरा बिजनेस हिट हो गया, ठीक है, तो आपने मुझे देख लिया, आपने देखा कि यार ये बंदा तो मतलब सड़कों पे घूमता था, आज इसने गाड़ी ले ली, आज इसका ऑफिस हो गया, इसका बिजनेस तो हिट है, तो मैं भी इस बिजनेस में आ जाता हूँ। आपने ये नहीं देखा कि मैंने पीछे क्या प्रिपरेशन की होगी। ये मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसा ही करते हैं, किसी को देख के किसी का शुरू कर लिया, कि बहुत आसान लगता है, सोचते हैं बिजनेस करना, बट आसान नहीं होता, बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है दोस्तों। और आपकी सिचुएशन अलग है लाइफ की, मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी सिचुएशन अलग थी या लोगों की सिचुएशन अलग थी। आप किसी को रेप्लीकेट नहीं कर सकते, सबकी सक्सेस जर्नी अलग अलग होती है। किसी को पहले मिल जाती है सक्सेस, किसी को बाद में मिलती है, बट एक चीज़ श्योर है कि जो बंदा ट्राई करता रहता है उसको सक्सेस मिल जाती है, चाहे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, राइट? पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पे किसी को देख के जो है इमिटेट मत करो, शुरू मत करो। आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तब आओ उस चीज़ में, तब ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे 10 में से 8 जो बिजनेस शुरू होते हैं वो अपने एक साल में ही जो है ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वो बंदे जो है देख के आए हुए होते हैं। जब आप बिजनेस करना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली किस तरीके से पैसा लेके आओगे, जो शुरुआत में ज़रूरी है। देखो जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे बिजनेस शुरू हो सकते हैं, बट वहाँ पे भी पैसा तो लगना ही है, कुछ पैसा तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में ही कोई चीज़ शुरू हो रही है, बहुत ही कम, मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई काम ही नहीं है। 5,000-10,000 रुपये तो फिर भी चाहिए होंगे, राइट? और आपका जो टाइम लग रहा है वो अलग लग रहा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस टाइम में तो आप जॉब नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी जो टाइम की वैल्यू है वो जा रही होगी, राइट? तो पैसा कहाँ से लाओगे पहले सोचना है। दूसरी चीज़ सोचनी है कि भाई मैं सेल्स कैसे लेके आऊँगा। सेल करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। जिस बंदे ने सेल करना सीख लिया ना दोस्तों, वो कभी भूखा नहीं मरने वाला, राइट? तो मार्केटिंग कैसे करोगे, उसका खर्चा कैसे उठाओगे, ऑफिस लेना पड़ेगा या फिर घर से शुरू करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा पहले क्या आप सारे काम खुद कर सकते हो जो आप काम शुरू करने वाले हो, राइट? वो भी चीज़ आप लोगों ने देखनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का शुरू किया था तो सारे काम मैं करता था। इवन जब मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था 2017 में, तो रिकॉर्ड भी मैं करता था, एडिट भी मैं करता था, उसके अलावा उसको अपलोड करना, उसका सर्च इंजन करना, वो सारी चीज़ें मैं करता था, तो मेरा कॉस्ट जीरो था। साथ ही साथ मेरा कोई ऑफिस ही नहीं था, मेरे घर में 4 कमरे थे, मैंने 1 कमरे को अपना ऑफिस बना लिया था, तो मेरा वो कॉस्ट भी जीरो हो गया। धीरे धीरे जब ग्रोथ हुई तो हमने ऑफिस हायर कर लिया, लोग भी आ गए काम करने वाले। तो आप देख रहे हो ना, मतलब जब ग्रोथ हुई तब ये सारी चीज़ें आई हैं, ऐसे नहीं आई है,
राइट तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि आपकी उम्र क्या है, आप पे कितनी जिम्मेदारियां हैं जब आप बिजनेस शुरू करने वाले हो। अगर आपकी उम्र 35 साल की है, आपकी शादी हुई हुई है, आपके दो बच्चे हैं, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आप पे है, तो क्या आप उस समय में बिजनेस करना अफोर्ड कर पाओगे? आप खुद से पूछ के देखो, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करोगे हाथों हाथ तो पैसा नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको कुछ रिटर्न देगा। पहले तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना। मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरी उम्र 23 साल की थी, अभी मैं 25 साल का हूँ। अभी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई हुई, मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट। जब मैंने शुरू किया था तो और भी जिम्मेदारी नहीं, मैंने उस समय कॉलेज खत्म किया था, कॉलेज खत्म करने के बाद एक साल मैंने करीबन जॉब की थी, उसके बाद मैं इस फील्ड में मूव कर गया, तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आपको ना अपनी एज भी बहुत देखना जरूरी है कि आपकी एज क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उस हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब के बारे में कि क्या जॉब बुरी होती है। बिल्कुल बुरी नहीं होती। अगर आपके पास पैसे नहीं है, लगते बहुत कम पैसे आज की डेट में, आपको जॉब ही करनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए बिजनेस में आने का। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग जो है एक्साइटमेंट में आते हैं बिजनेस में कि मुझे दिखाने के लिए, चौट बनाने के लिए बिजनेस करना है, वो लोग फेल होते हैं। अगर आपकी जॉब में एक बार को आपके पास 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है तो वो फिक्स है, आपको यहाँ पे उसको किसी को देना नहीं है, राइट। बिजनेस में वो सारी चीज़ें बांटनी पड़ेगी। अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये तो मुझे बांटने पड़ जाएंगे। हो सकता है जो 50 रुपये बचे हैं उसमें से भी खर्चा आ जाए, क्योंकि जब आप काम करते हो अपना तो खर्चे कहाँ से आते हैं आपको पता नहीं लगता। तो कहने का पॉइंट है दोस्तों, जॉब कोई बुरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जॉब में भी ग्रो करते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि आपका रिस्क ज़ीरो है यहाँ पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। एक बार आप किसी जॉब में लग गए तो आपकी वो ज़िंदगी भर के लिए है, अगर आप करना चाहो। अगर आप लोगों को अपनी जॉब में ग्रो करना है तो आप लोगों को नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे आप जब जॉब करते हो, जब मैं करता था, मुझे पता है कि बीच बीच में एग्जाम्स भी आते थे, जो आपके सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं आपके ऊपर, वो भी आप लोगों को बताते रहते हैं। तो उसमें वो सारे एग्जाम्स में एनरोल हो जाओ, नई नई स्किल सीखो, तो आप ग्रो कर जाओगे, राइट। सुंदर पिचाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, यू नो, करोड़पति है, अरबपति है, आज की डेट में करोड़ों रुपए में इनकी इनकम है, तो ये जॉब से ही ऊपर आए हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आज अच्छा कमा रहे हैं जॉब के करके भी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फोकस क्या है। तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो को समअप करते हुए यही कहना चाहूँगा कि पहले अपने घर की सिचुएशन देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसे है या नहीं है। उसके बाद कोई फील्ड में आओ और किसी को देखा देखी मत करो, अपनी सिचुएशन देख के ही काम करना है। ना जॉब बुरा है ना बिजनेस बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं भी नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, आप ही डिसाइड करोगे, राइट। मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए हैं जो जो कि आप लोगों को कंसीडर करने हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाके चेक जरूर करें। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।